किसी पार्टी की टिकट लिया है, पार्टी की लहर चल रही है, लोग परिवर्तन के मन में आ रहे हैं, वो एमएलए बन जाते हैं। ठीक है सर, एक कड़वा सवाल आपसे जानना था, लेकिन दबंग परवर्ती की छवि जो है आपकी जो छवि। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ हटेली के पूर्व विधायक नरेश यादव हैं। ओके न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सत्येंद्र जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका घर जो है एक विधायक जैसा नहीं लगता, क्योंकि जो सरपंच अगर 5 साल कोई गाँव का सरपंच रह लेता है तो कोठी बना लेता है, आपका ऐसा नहीं लगता कि एक विधायक का घर है? नहीं, ये मेरे पिताजी की का घर है जी। जिस घर में माँ पिताजी 90 साल तक रहे हैं जी, वो तो हमारे लिए स्वर्ग है। तो मैं तो समझता हूँ कि कोठी बंगले में रहने की बजाय माँ बाप के जो स्वर्ग धाम है उसमें बड़ा आनंद आता है। सर, आपकी जो प्रवृत्ति रही है वो जनता के हितों के लिए लड़ने की रही है, चाहे वो जिया कांड हो या फिर और जनता या किसानों की कोई समस्या हो, आप जनता के बीच आ जाते हैं। देखो, मैं छात्र जीवन से ही संघर्ष की जिंदगी 77 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब स्टूडेंट का आंदोलन चल रहा था हिसार में, और हम उस आंदोलन में हम भी जेल चले गए। 31 दिन तक हम चंडीगढ़ की बुरेल जेल में रहे 77 में, और एक ही इच्छा रही छात्र जीवन से और उससे पहले स्कूल के जीवन से भी जी, कि क्योंकि मैं एक अध्यापक का बेटा था तो सबसे सर्वप्रथम तो इच्छा थी भी अच्छी एजुकेशन ली जाए। हम तीनों भाई अच्छी एजुकेशन लेकर के ही अपने अपने काम में हैं। मैं राजनीति में आ गया, एक भाई मेरा डायरेक्टर जनरल बन गया, एक भाई ETO बन गया, फादर हमारे हेडमास्टर रहे, मामा जी हमारे फौज में जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल ML यादव जी। और हमारे परिवार के लोग जिस भी फील्ड में रहे बहुत पॉपुलर रहे। आप कहीं भी पता कर लो तो आपको लोग बता देंगे हेडमास्टर से मेरे फादर। आप आर्य समाज में जाकर पता करोगे तो लोग कहेंगे विद्यासागर भाई नरेश यादव चाचा जी आर्य समाज में। और फौज में कहीं फौजी से पूछोगे आप रिटायर्ड से तो कहेंगे हाँ जी नीरपुर के थे लेफ्टिनेंट जनरल ML यादव नरेश यादव जी की मामा। तो सर, मेरा सवाल यह है कि आपकी जो जनता के हितों की लड़ाई लड़ने की आपकी प्रवृत्ति रही है, और आप अटेली में अटेली विधानसभा में हर जगह पर हम जाते हैं तो कहीं नरेश यादव ने सड़क बनाई है, ये अस्पताल बड़ा अटेली में बनाया है, कॉलेज का काम शुरू करवाया, जो नाज मंडी है उसका काम आपने करवाया और बहुत से काम आपने, बिजली के तार बदलवाए, बहुत से काम आपने किए हैं, लेकिन जो अभी चुनाव हुआ उसमें आपका जो हेलीकॉप्टर था वो उड़ नहीं पाया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखो, आपने जो भी बताया काम हमने बहुत, हमने नहीं बताया जी, जनता बता रही है। काम जनता के आशीर्वाद से हमने बहुत किया, MLA बनने से पहले भी और MLA बनने के बाद भी और आज भी। आप ये ना सोचें कि आज मैं जनता के काम नहीं कर रहा। मैं जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ और उच्च अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध हैं और वो समझते हैं कि अगर ये नरेश यादव अगर आया है तो सामूहिक काम के लिए ही जाता हूँ। और अब भी किसी गांव की पानी की समस्या होती है, कोई बिजली की समस्या होती है या और कोई भी समस्या होती है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? बस एक मन में एक धारणा है कि लोगों का काम करना है और ये हमारी ड्यूटी भी है, चाहे वोट दें या ना दें। ना, ये कोई वोट कोई कंडीशन नहीं है। जब छात्र जीवन में आप जेल चले गए, संघर्ष शुरू कर दिया तो उस टाइम तो मेरी चुनाव लड़ने की उम्र भी नहीं थी MPML का, तो तब से कर रहे हैं। दो तरह के नेता होते हैं, एक तो होते भी किसी पार्टी की टिकट लिया है, पार्टी की लहर चल रही है, लोग परिवर्तन के मन में आ रहे हैं, वो MLA बन जाते हैं। ठीक है सर, एक कड़वा सवाल आपसे जानना था, जो छवि है वो दबंग नेता की है, कड़वा सवाल किया जा सकता है? हाँ हाँ, कोई आपत्ति नहीं है मतलब पत्रकार। तो सर, मैं ये कह रहा हूँ, आज किसान आंदोलित है, सड़कों पर है, सरकार कह रही है हम जो बिल लेकर आए हैं वो किसान हित से हैं, लेकिन जो किसानों के नेता कहें या किसान जो आंदोलित हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किसान के अहित में है, तो आपके हिसाब से आपकी नज़र में सरकार सही है या किसान सही है? देखो, जो चीज़ धरातल पे नहीं आई है, कृषि बिल ठीक है गलत है, कोई चीज़ जब धरातल पे आती है, जब उसको प्रैक्टिकल रूप में जब उसका प्रयोग होता है, तब उस एक्सपेरिमेंट का पता लगता है कि ये फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है।
लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वर्षों से सभी किसान नेता, चाहे वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत रहे, चाहे वो चौधरी देवीलाल रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, और हमारे राव बिरेंद्र सिंह भी किसानों के बड़े हितैषी नेता थे, हमारे मुख्यमंत्री रहे, जितने बड़े लीडर्स हैं जिनको मैंने देखा है, वो यही बात कहते थे कि भाई किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। तो कभी भाव के रूप में मुख्यमंत्री ने बढ़ा दिया, कभी किसी रूप में, मदद तो हमारे नेता करते रहे, लेकिन असली मायने में किसानी को घट्टे का सौदा मान लिया। भाई इतनी मेहनत, इतना पसीना, पूरे परिवार की ताकत लग जाती है, तब भी किसान कर्जे से मुक्त नहीं होता, किसान कर्जवान होता जा रहा है, किसान की आत्महत्या नहीं रुक रही। तो किसान का कर्जा कैसे हटे, उसकी आत्महत्या कैसे रुके, उसकी आमदनी कैसे बढ़े, इसी के लिए तो लंबे सालों से संघर्ष चल रहा था। इस सरकार ने और इससे पहली सरकार ने भी ऐसे ही सुझाव लेकर आए थे कि भाई कुछ होना चाहिए, किसान की आत्महत्या रुकनी चाहिए, किसान ने अगर खेती करना छोड़ दिया तो कल कारखाने धरे रह जाएंगे और देश भूखा मर जाएगा। तो सवाल इसलिए इसी चिंता को देखते हुए इस सरकार ने एक प्रयास करने की कोशिश की, भाई अगर हम किसान लीडर मजबूत हैं जी। तो आने दीजिए भाई कानून को, अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा तब बैठेंगे आंदोलन में। पहले उसको प्रैक्टिकली हमने देखा नहीं किसी ने भी, तो कागजों में ही आंदोलन हो गया। चलिए आपका जवाब जनता को मिल गया है, तो SYL मुद्दे को लेकर आप पिछले दिनों पद यात्रा पर गए, कृषि मंत्री से मिले, किस तरह का रेस्पॉन्स SYL के मुद्दे पर रहा सरकार का रवैया? SYL हमारी जीवन रेखा है जी, जिसके लिए बहुत आंदोलन हुआ और जायज भी है। आप तो देख रहे हैं कि वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा है, किसान जो कमाता है 2-3 साल बाद उसका नया बोर का खर्चा आ जाता है, इतनी कमाई नहीं होती जितना पानी प्राप्त करने के लिए बोर पे, मोटर पे, पंपों पे जो खर्चा हो रहा है। जब तक नहरी पानी से इस दक्षिणी हरियाणा की धरती को नहीं सींचा जाएगा तब तक वाटर लेवल ऊपर नहीं आ सकता। तो SYL के मुद्दे पर आगे की क्या रणनीति है? SYL के मुद्दे पर सरकार का जो रुख है सकारात्मक है। हमने हरियाणा और पंजाब के विधायकों से कहा कि भाई इस मुद्दे पर राजनीति बंद करो, इस टॉपिक को या तो बंद कर दो। ये चुनाव का मुद्दा पंजाब वालों ने बना रखा है कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा के नेता चुनाव को तो कहते हैं हम एक बूंद पानी छोड़ेंगे नहीं, फिर 5 साल तक सब ठंडे बस्ते में इसको डाल देते हैं। बीच में किसी को याद, हमने दोनों सेशन चल रहे थे, पंजाब का भी हरियाणा का भी जी, तो दोनों हाउसों के विधायकों से और स्पीकर को भी मैं विधानसभा में ज्ञापन देकर गया कि आप गवर्नर को लिखी, उन्होंने गवर्नर को भेजा हमारा ज्ञापन कि भाई हमारे पंजाब हरियाणा के किसान एक साथ बैठकर दूध पी रहे हैं, कोई भाईचारे में अब कोई खराबी नहीं है, अच्छा भाईचारा। पहले तो ये कह देती थी राजनीतिक पार्टियां कि भी पहले नहर बना रहे थे तो उग्रवाद हो गया था, इंजीनियर मारते थे, बिल्कुल। अब तो पूरे किसान कह रहे हैं कि हम भाई हैं, अरे आप भाई हो, हमारा पानी नीचे जा रहा है, धरती हमारी बर्बाद हो रही है, उनके पास जगह जगह फट रही है, तो आप हमारा पानी रास्ता ही तो ले रहे हैं। हाँ, देखे। और हम तो ये कहते हैं भाई ये अगर ये धरती बचानी है तो मेन भाखड़ा कैनाल जो हरियाणा में से ही गुजर रही है जी, जो हमारा हक भी है भाई, हमें 2000 क्यूसिक फीट 2500 क्यूसिक फीट पानी मेन भाखड़ा कैनाल से हाँसी बुटाना लिंक नहर जो हमारी 500 करोड़ 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है उसके माध्यम से डाला जाए, जिससे जितनी भी स्कीमें हरियाणा सरकार अब लेकर के आई है
माइक्रो इरीगेशन, डीप इरीगेशन, वो तभी कामयाब होगी जब एक्स्ट्रा पानी इस इलाके को मिलेगा। चलिए, तो क्या सर आपके बच्चे भी राजनीति में आकर जनता की सेवा करेंगे? मेरे बच्चे तो भाई कोई ऐसी रैली नहीं, ऐसा कोई संघर्ष नहीं जिसमें मेरे बच्चे हाजिर नहीं होते हो। जब भी उनकी छुट्टी होती है, पढ़ रहे हो, लड़का मेरा प्लस टू स्कूल में है, लड़की अभी बीए फाइनल कर रही है, बुला के तैयारी कर रही है, लेकिन जब भी उनकी छुट्टियां होती है, अब ये आंदोलन मैंने चलाया था जो हमने ज्ञापन दिया, तो मेरी बेटी सबके साथ गई, सबको ज्ञापन दिया, कोई लिखती थी उसी ने ईमेल किया, तो हमारे बच्चे तो हमारा पूरा परिवार जो है लोगों की सेवा में ही लगे रहे हैं। और पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हमारे लाखों लोगों से संपर्क है, और मैं अपने बच्चों को कहते रहता हूँ कि भाई लोगों की सेवा करो, जब भी मौका मिले। लोगों ने हमें बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, एक साधारण परिवार के आदमी को विधानसभा में भेजा, लोगों का बड़ा हम पर एहसान है। लोग फिर मोहब्बत करेंगे, फिर भेज देंगे, हमारे बच्चे लोगों की सेवा करेंगे तो वो भी विधानसभा लोकसभा में जा सकते हैं, क्योंकि वो किसी रूप में कमजोर नहीं है, मजबूत है। तो चलिए सर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी सवाल, क्या आप जनता के बीच फिर से वोटों के लिए जाएंगे भविष्य में? देखो हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम विधायक एमपी बने ना बने, लोगों की सेवा हम करते रहेंगे, और लोगों का मन होगा हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, मांगने से कभी वोट नहीं मिलते जी। जब लोगों का मानस तैयार हो जाता है तो घर से ले जाते हैं, भाई चाल मारो काम नहीं चाल, जबकि कहीं भी जाती होती है, परेशानी होती है, सब आते नहीं लोग मेरे पास, कहेंगे चाल भाई नरेश यादव तेरे बगैर बात नहीं बनी। मैं यार विधायक अब तो आपने बना दिए, सांसद बना दिए, बंदाजियों के बस की बात ना, आपने चलना पड़ेगा। तो जय दिन लोग ये महसूस करेगा कि भाई विधानसभा लोकसभा में नरेश यादव की जरूरत है, और लोग अपना मानस बना लेंगे तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किन्नौज हरियाणा को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अटेली के पूर्व विधायक नरेश यादव, इनसे हमने बातचीत की। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए किन्नौज हरियाणा। नमस्कार।